अगर हमें कोई भी चीज ऐसे प्रूफ करनी है तो हम उसका उल्टा लेते हैं, बट यू नीड माय इरेशनल लॉ, जो रेशनल नहीं होते इरेशनल होते. इट मींस मैं इसको क्या लेके चलूंगी, लेट अस अज्यूम रूट 7 में पास क्या है, रेशनल लॉ. देखो लेट अस अज्यूम रूट 7 इज रेशनल नंबर. और व्हाट इज माय रेशनल नंबर व्हिच be written in the form of P बटा Q, P by Q. और वहां पर P and Q क्या होते हैं, आर इंटीजर्स. ठीक है, मान लिया आपने इंटीजर्स होते हैं. ठीक, को प्राइम इस वर्ड पे जरा गौर फरमाइएगा, क्या बोला है मैंने, को प्राइम एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0. अब आप सबको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है. अब मेन इस पे क्या है कि हम इस को प्राइम वर्ड को ना एक लेकर चलेंगे और इसी बेसिस पे इस एजम्पशन को हम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले जरूरी है कि वर्ड समझा होता है. को प्राइम नंबर वो होता है जिसका एचसीएफ 1. सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, मेरे पास एग्जांपल है 3/7, जहां पर जो मेरा 3 है वो P है और जो मेरा 7 है वो Q है. अब बताओ 3 और 7 में मेरा एचसीएफ क्या है, यानी कि इन दोनों का सेम कोई फैक्टर क्या, 3 सेम फैक्टर रहते हैं, 7 नहीं आता 3 के टेबल में. इट मींस इनटू 1 इनटू 1. तो को प्राइम वो होता है जिसका एचसीएफ 1 क्या हो, 1. ठीक है, मैं इसको कर दे, आई होप आपको समझ आ गया व्हाट इज मीन बाय को प्राइम. इसी को लेकर हम आगे सॉल्व करेंगे. अब मैंने क्या बोला कि रूट 7 मेरे पास क्या है, पी बाय क्यू है, राइट. अब मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन both sides. मैं square करूँ, what is the square of both sides, that is 7, is equal to p square by q square. मैं q को उधर लेके चल जाऊंगी, 7 को इधर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 7 q square is equal to p square by 7. अब फिर मैं से एक समझ, मैं ले रही हूँ एक 100 by 2, एक ले रही हूँ मैं 10 by, ठीक है, ये हम p square मान लेते हैं और ये कोई भी x का फैक्टर मान लेते हैं और ये p और ये का कोई फैक्टर. अब 2 से मेरा 100 कट जाएगा और 2 से मेरा 10 भी कट जाएगा, राइट. इट मींस मेरा जो 2 है ना, 2 क्या है, मेरा फैक्टर. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, से मैं 10 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 5 लिख सकती हूँ. ठीक है, अगर मेरे पास होता q स्क्वायर और p स्क्वायर बाय x होता, तो मैं p स्क्वायर इज इक्वल टू x इनटू समथिंग, से p is equal to x into something कुछ लिखती, नहीं कुछ लिखती, m और s देखो कि ये 50 है यहाँ पर ही है, ठीक है, समझ आ रहा है. अब इसी चीज को लेकर हमें आगे प्रोसीड करना है. तो मैं इस इक्वेशन में से ये लिख सकती हूँ कि 7 is a factor of p square and p. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 p is equal to 7 into m और मेरा m कोई भी एक इंटीजर है, राइट. मेरा क्या है, 7 कोई भी एक इंटीजर है. अगेन मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, p का स्क्वायर इज p स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49, m का स्क्वायर इज n स्क्वायर. अब मैं p स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालती हूँ, इस इक्वेशन में पुट करती हूँ, तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, q square is equal to 49 into m square by 7. 7 से गया 7, that is equal to q square is equal to m square by 7, m square by 1. और ये क्या आ जाएगा, m square is equal to q square by 7. अब देखो इसमें भी अगर मेरा q square 7 से divide हो रहा है, therefore 7 is a factor of q square and q, right. अभी मैंने क्या बोला, को प्राइम क्या होता है, जिसका एचसीएफ 1. अब हमने इसी को हथियार लेकर ये प्रूफ कर दिया कि q square और p square दोनों ही 7 के फैक्टर है. ये तो भैया बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया. इट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. रूट 7 is an irrational
की कोई भी जरूरत नहीं है। और इन 3 मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो ध्यान से करना है, हमें पता है 3 मार्क्स का आ रहा, फिर भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब मैंने रूट सेवन रेशनल नंबर प्रूफ करना, सबसे पहले मैंने क्या किया कि रूट सेवन को अज्यूम कर लिया कि वो एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं कि एक इंटीजर होना चाहिए टी बाय क्यू, और को प्राइम होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर क्यू जीरो होगा तो बात ही है, ठीक है। तो मैंने को प्राइम को अपना हथियार बनाया, किसको हथियार बनाया, को प्राइम को हथियार बनाया। मैंने पहले लिखा कि रूट सेवन इज इक्वल टू पी बाय क्यू, स्क्वायरिंग करके मैंने ये चीज देखी कि सेवन इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है, इट मीन इसमें कुछ ना कुछ चक्कर है और एक कट जाएगा। कटने के बाद मैंने लिखा कि p इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर एंड p, ठीक है, वो 100 वाले टर्म से समझ आया था ना, मेरे को समझ आया था। अब मैंने p स्क्वायर की वैल्यू निकाली, p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, पुट करने के बाद मेरे पास क्या आया कि q स्क्वायर भी फैक्टर है, m फैक्टर q स्क्वायर का भी है। तो ये चीज तो बड़ा पक्का हो गया। अभी हमने बोला था कि को प्राइम में 1 होना चाहिए, बट मेरे पास तो 7 भी का फैक्टर आ गया। तो हमें पता चलता है कि ये एक रेशनल